तो स्वागत है आपका दिया मागी हिंदी में। मैं हूं सोरा संजू और आज हम बात करने वाले हैं केन कानेकी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वेल देन, इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड, बचपन में जब केन कानेकी की माँ जिंदा थी तब उसे उनके हाथ के बनाए बर्गर्स खाना बहुत पसंद था। जब वो 4 साल का था तब उसके फादर की डेथ हो गई थी और उसे उनका फेस भी याद नहीं था और वो अपने पिता के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस था। उसे इतना पता था कि उसके फादर एक एविड रीडर थे और उनके पास बहुत सी किताबें थी। कानेकी अपने फादर की बुक्स को रीड करता था और उसे लगता था कि वो अपने फादर से कन्वर्सेशन कर रहा है, इससे वो काम रहता था। जब वो छोटा था तब उसकी माँ को काम करने में और घर संभालने में बहुत दिक्कत होती थी और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ कानेकी की आंट का था, जो कि उसकी माँ को पैसों के लिए हमेशा परेशान करते रहती थी। कानेकी की माँ अपना फ्रस्ट्रेशन कानेकी पर निकालती थी, पर कानेकी इन सभी मेमोरीज को अपने अंदर सप्रेस कर देता है और ये सोचता है कि उसकी माँ उसे काइंडली ट्रीट कर रही थी। जब कानेकी 10 साल का था तब उसकी माँ का ओवरवर्किंग की वजह से डेथ हो गया। अनाथ हो जाने के बाद कानेकी की आंट उसे अडॉप्ट कर लेती है, पर ये उसके लिए अच्छा साबित नहीं होता क्योंकि वो उसे हमेशा अपने बेटे युइची से कंपैरिजन करती रहती थी और कहती थी कि कानेकी अपने लेट मदर की तरह है। वक्त के साथ वो जगह कानेकी के रहने लायक नहीं रही। एलिमेंट्री स्कूल में भी उसका कोई दोस्त नहीं था। उस वक्त हीडे कानेकी को अप्रोच करता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। प्रोलॉग, आंटेकू में बैठकर कानेकी और हीडे 20th वार्ड में हो रहे घोल अटैक्स के बारे में न्यूज देख रहे होते हैं। हीडे फिर कानेकी से पूछता है कि क्या तोका उसकी न्यू क्रश थी, पर कानेकी डिनाई कर देता है। कानेकी रीजे की तरफ इशारा करता है। हीडे के जाने के बाद कानेकी उसके साथ डेट अरेंज करता है। बात करने के बाद रीजे कानेकी में अपने बुक्स बम करती है, पर बाद में ये पता चलता है कि रीजे एक घोल है और वो कानेकी को ट्रिक करके एक आइसोलेटेड एले में ले जाती है और उस पे अटैक कर देती है। इस अटैक में रीजे कानेकी के एब्डोमेन में अपने कागुने पियर्स कर देती है। इससे पहले कि वो उसे खा सके उस पर स्टील बीम्स गिर जाते हैं और उसे क्रश कर देते हैं। उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर कानुओ ने रीजे के बॉडी के पार्ट्स कानेकी में ट्रांसप्लांट कर दिए और तभी से कानेकी हाफ ह्यूमन हाफ गोल बन जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कानेकी सभी से ये बात छुपाता है कि रीजे एक घोल थी। कानेकी कुछ भी खाता था तो वो उसे डिस्गस्टिंग लगता था। वो नॉर्मल खाना नहीं खा पाता था, इसीलिए वो काफी दिनों तक सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहने लगा। अपनी भूख को सेटिस्फाई ना कर पाने की वजह से कानेकी स्ट्रीट्स में घूमने लगा। उस दौरान कानेकी को पता चलता है कि तोका जो उस आंटेकू की वेट्रेस थी वो भी एक घोल थी, क्योंकि तोका ने उसके सामने एक ह्यूमन को मारा था। टेरर में आके कानेकी वहां से भागता है, पर अचानक से ये रियलाइज होता है कि वो ह्यूमन फ्लेश के स्मेल से सेलिवेट कर रहा है। कानेकी अपने अंदर से गोल ऑर्गन्स को हटाने का ट्राई करता है पर अनसक्सेसफुल रहता है। डिप्रेशन में कानेकी तोका से हेल्प मांगता है, पर वो उस फॉर्मर ह्यूमन को हेल्प करने से रिफ्यूज कर देती है। पर आंटेकू का मैनेजर योशिमुरा कानेकी को ह्यूमन फ्लेश देता है जिससे उसका हंगर सेटिस्फाई हो जाता है, पर कानेकी को अपने इस हरकत से खराब लगने लगता है तो वो ह्यूमन मीट को रिजेक्ट करना कंटिन्यू करता है। वो बाकी के ह्यूमन फूड्स में कुछ खाने को खोजता है, तब उसे पता चलता है कि वो अभी भी कॉफी पी सकता था। कॉफी पी के उसे काफी काम महसूस होता है तो वो और कॉफी खरीदने एक स्टोर चला जाता है। वहाँ एक निशियो नाम का आदमी उसे इंस्टेंट कॉफी खरीदने कहता है। घर वापस आते वक्त कानेकी को कहीं से डिलीशियस खाने की स्मेल आती है, पर जब वो जाके देखता है तब उसे पता चलता है कि वो ह्यूमन कॉर्प्स है। काजुओ नाम का एक घोल उसे खा रहा था, पर तभी निशियो आके उसे मार देता है और ये कहता है कि ये निशियो का फीडिंग ग्राउंड है। तभी वहाँ तोका आती है और कहती है कि ये निशियो का एरिया नहीं, रीजे का एरिया है। तब निशियो कहता है कि रीजे से पहले ये ग्राउंड उसी का हुआ करता था, पर तोका उसे ये कहकर मना कर देती है कि वीक घोल्स को अलग से एरिया अलॉट किया जाएगा और ये निशियो की गलती है
है कि वो इतना वीक है। गुस्से में निशियो तोका पे अटैक कर देता है, पर तोका उसे तुरंत डिफीट कर देती है। जब तोका कानेकी को मीट खाने के लिए फोर्स करती है, तब वो स्क्रीम करने लगता है और कहता है कि वो एक ह्यूमन है और वो घोल्स की तरह नहीं है। तब तोका उसे कहती है कि वो ना ही ह्यूमन है और ना ही घोल है, और उसे ये कहते हुए वार्न करती है कि एक घोल का हंगर हेल की तरह होता है। जब कानेकी और हीरे सीडी लेने के लिए एक सीनियर स्टूडेंट से मिलने जाते हैं, तब वो गलती से उसे और किमी को कुछ ल्यूड हरकतें करते हुए डिस्टर्ब कर देते हैं, और कानेकी को रियलाइज होता है कि वो सीनियर स्टूडेंट निशियो है। निशियो से कहता है कि उसने सीडी को घर पर रखा है और उन्हें साथ जाने को कहता है, पर रास्ते में वो हीडे को नॉकआउट कर देता है और कानेकी से फाइट करने लगता है। वो हीडे के फेस पर पैर रख देता है, जिससे कानेकी प्रोवोक हो जाता है और फाइट करने लगता है, पर वो कागुने विल्डिंग निशियो के लिए कोई मैच नहीं रहता। लेकिन जब निशियो कानेकी को किल करने जाता है, तब कानेकी अपना कागुने रिलीज कर देता है और अपने कागुने से निशियो को हेविली इंजर्ड कर देता है। कानेकी अपना कंट्रोल लूज कर लेता है और हीडे को खाने जा रहा था, पर तब तोका आकर उसे रोक लेती है। बाद में जब कानेकी होश में आता है, तब वो खुद को आंटेकू में पाता है और हीडे के बारे में पूछता है। तब मैनेजर उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ हीडे सो रहा था। कानेकी हीडे को अप्रोच करने का सोचता है, पर फिर रुक जाता है। उसे अपने मुंह में ब्लड का टेस्ट आता है, तो वो योशिमुरा से पूछता है कि उसने क्या खाया था। तो योशिमुरा उसे कहता है कि इसका जवाब वो ऑलरेडी जानता है। ये सुन के कानेकी रोने लगता है कि वो ना ही ह्यूमन है ना ही घोल है और वो कहीं बिलोंग नहीं करता, पर योशिमुरा उसे कहता है कि वो दोनों वर्ल्ड्स में बिलोंग करता है। योशिमुरा कानेकी से आंटेकू में काम करने को कहता है और ये भी कहता है कि वो उसे सिखाएगा कि किस तरह से वो घोल होते हुए ह्यूमन के बीच रह सकता है। डोव्स इमर्जेंस। कानेकी के आंटेकू में काम स्टार्ट करने के बाद हीडे कानेकी को विजिट करने आता है। हीडे तोका को कानेकी का ख्याल रखने के लिए थैंक्स करता है। मैनेजर ने हीडे को ये कहा होता है कि उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। बाद में मैनेजर कानेकी को ह्यूमंस की तरह सैंडविचेस खाने का तरीका सिखाता है, पर कानेकी सीख नहीं पाता। तब मैनेजर उसे स्पेशल शुगर क्यूब्स देता है, जिससे उसका हंगर कंट्रोल में रहेगा, पर वक्त आने पे उसे मीट भी खाना पड़ेगा। कानेकी के वर्क टाइम में रियू को फ्यूगुची और उसकी डॉटर हिनामी आंटेकू आते हैं। बाद में सीसीजी के घोल हंटर्स 20th वार्ड में रियू को और हिनामी को ढूंढते हुए आते हैं। जब खबर फैलने लगती है, तो मैनेजर तोका को कानेकी को मास्क शॉप ले जाने कहता है। कानेकी हाई से आर्ट मास्क स्टूडियो जाता है और वहाँ के ओनर ऊटा से एक्वेंटेड हो जाता है। एक दिन मैनेजर कानेकी को योनो के साथ फूड सप्लाईज लाने भेजता है। वो लोग उन ह्यूमंस को ढूंढने जाते हैं जिन्होंने सुसाइड किया हो। बाद में वो लोग रियोको को पिकअप कर लेते हैं और उसे योमो वार्न करता है कि इन्वेस्टिगेटर्स उसके लिए आए थे और उसे हिनामी की सेफ्टी के लिए काफी सावधानी से बाहर निकलना चाहिए। रियोको इस पे एग्री करती है और कानेकी सोचता है कि एक पेरेंट का अपने चाइल्ड के लिए कंसर्न हर वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग होता है। कुछ दिन बाद कानेकी एक रूम में जाता है जहां हिनामी ह्यूमन फ्लैश खा रही होती है। कानेकी नॉक ना करने के लिए अपोलोजाइज करता है। तब हिनामी उसे पूछती है कि क्या वो ह्यूमन है या घोल है। तब वो उसको अपना सिचुएशन बताता है। वो देखता है कि हिनामी के पास बुक्स हैं और वो उसे उन्हीं के बारे में बात करने लगता है और वो उसे न्यू कांजी वर्ड्स पढ़ना भी सिखाता है। वहाँ से लीव करने से पहले वो कानेकी को थैंक्स करती है और कहती है कि वो उससे दोबारा कभी पढ़ेगी। जैसे ही वो लीव करते हैं, घोल इन्वेस्टिगेटर्स उन्हें घेर लेते हैं। रियो को हानेमी को एस्केप करने देती है और खुद इन्वेस्टिगेटर से लड़ती है। एस्केप करते वक्त हिनामी कानेकी से मिलती है और हेल्प मांगती है, पर जैसे ही वो सीन के पास पहुंचते हैं, कुरियो माडो रियोको को मार देता है। रियोको की डेथ के बाद कानेकी आंटेकू मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है और ये कहता है कि रियोको की डेथ कानेकी के वीक होने की वजह से हुई है। अगले दिन जब तोका घोल इन्वेस्टिगेटर्स पर अटैक करके आती है, तब कानेकी उसके इंजरीज देखता है और उसे तुरंत ट्रीट करने की इंटेंशंस दिखाता है, पर योशिमुरा उसे रोक देता है ये कह के कि उसे अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठानी होगी और आंटेकू के पास सीसीजी के
अगेंस्ट चाने का पावर नहीं है, पर फिर भी काने की उसके वाउंड्स को ट्रीट करता है और तोका से कहता है कि गोल इन्वेस्टिगेटर्स का एग्जिस्टेंस नेसेसरी है और तोका के एक्शंस गलत थे, पर फिर भी अगर वो मर जाएगी तो काने की उसके लिए मौन करेगा और वो उससे फाइटिंग सिखाने के लिए भी कहता है ताकि अगली बार वो भी ऐसे सिचुएशंस में एक्ट कर पाए। अगले दिन वो लोग अंडरग्राउंड टनल्स में जाते हैं जो गोल्स ने प्रैक्टिस करने के लिए बनाए थे। कानेकी के लाइफ को थ्रेटन करने पे तोका उसके कागुने को रिलीज करवाने में सक्सेसफुल हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद उटा कानेकी को मास्क डिलीवर कर देता है। बाद में वो लोग CCG 20th ward ब्रांच ऑफिस में हिनामी के लोकेशन का फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाने जाते हैं, पर इससे पहले कि वो वहाँ से लीव कर सके वो लोग मार्डो को पास करते हैं जिससे उन पर गोल होने का शक था। वो कानेकी को RC स्कैन गेट के थ्रू जाने के लिए फोर्स करता है पर गेट रिएक्ट नहीं करता और इससे वो दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। हिनामी ये कंफर्म कराती है कि वो आंटेगू के अपर फ्लोर्स में है। तोका उसे विजिट करती है और न्यूज़पेपर देती है जिसमें कुसाबा के डेथ के नोटिस के बारे में लिखा हुआ था। फिर हिनामी वहां से भाग जाती है। जब तोका और कानेकी को पता चलता है कि हिनामी मिसिंग है तो वो दोनों स्प्लिट होकर उसे खोजने निकलते हैं। तोका हिनामी को खोज लेती है और कानेकी को इन्फॉर्म करती है, पर इससे पहले कि वो लोग वहां से जाते मार्डो उन पर अटैक कर देता है। कानेकी जो हिनामी के मिलने की खबर से रिलीफ हो गया था मार्डो के साथ इन्वेस्टिगेटर कोतोरो आमोन के फोन कन्वर्सेशन को सुन लेता है। आमोन काशारा रिवर की तरफ बढ़ता है जहां तोका और हिनामी थे। कानेकी अपना मास्क पहन लेता है और आमोन के रास्ते में आ जाता है तोका और हिनामी को एस्केप करने के लिए टाइम देने के लिए। कानेकी इंटेंशनली इन्वेस्टिगेटर को अंडर एस्टिमेट करता है पर फिर इन्वेस्टिगेटर उसे ओवर पावर कर लेता है। कानेकी को डाउन करने के बाद इन्वेस्टिगेटर एक फेलो इन्वेस्टिगेटर के डेथ के बारे में पूछता है और जो बचे गोल्स के वजह से ऑर्फन हो गए थे उनके बारे में पूछता है और गोल्स को डेमन कहता है। फॉर्मर ह्यूमन होने की वजह से कानेकी इन बातों को मना नहीं करता कि गोल्स ने वॉयलेंस लाया था, मगर रियोको के सैक्रिफाइस को याद करके उसे योशिमुरा की बात समझ आती है कि वो ही सिर्फ अकेला है जो गोल्स की दुनिया और ह्यूमंस की दुनिया दोनों को एंटायरली देख सकता है और वो दोनों गेट अलोंग कर सकते थे अगर वो बैठ कर बात करे तो। फाइट करने का एक रीजन होने के कारण कानेकी अपने कागुने को यूज करके जीत जाता है। आमोन को डिफीट करने के बाद कानेकी के गोल इंस्टिंक्ट्स एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो आमोन को वहां से जाने को कहता है क्योंकि वो किलर नहीं बनना चाहता। कुछ देर में कानेकी पूरी तरह से कंट्रोल खो देता है और बुरी तरह से फ्लैश क्रेव करने लगता है। वो योमो पे अटैक कर देता है और अचानक से होश में आ जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसने किस पे अटैक किया था। योमो कहता है कि उसे समझ आ गया कि योशिमुरा कानेकी में इतना इंटरेस्टेड क्यों था। ये कह के वो कानेकी को एक मीट का पैकेट खाने को दे देता है। फिर वो दोनों हिनामी और तोका के लोकेशन पे जाते हैं और फिर आंटेकू जाते हैं। रास्ते में हिनामी पूछती है कि क्या उसका जिंदा रहना सही है। तब कानेकी उसे कहता है कि हिनामी की मदर ने अपने फाइनल वर्ड्स में उसे जिंदा रहने को कहा था। मार्डो के डेथ के बाद कानेकी कानुओ जनरल हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाता है। कानेकी काफी पूछता है कि क्या कानुओ को पता है कि कानेकी के बॉडी के साथ क्या हुआ है। बाद में कानेकी यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पे हीडे दो गोल इन्वेस्टिगेटर के डेथ की बात कहता है। हीडे को इस बारे में इतना सोचते देखकर कानेकी कंसर्न्ड हो जाता है। कानेकी हीडे से पूछता है कि वो इस मैटर में इतना इंटरेस्टेड क्यों था। तब हीडे उसे हिशाशी ओगुरा की न्यू गोल बुक दिखाता है। हीडे गोल इन्वेस्टिगेशन टीम ज्वाइन करने के आइडिया के बारे में कहता है जिससे कानेकी जोर से ऑब्जेक्ट कर देता है। बाद में कानेकी तोका के अपार्टमेंट पे जाता है। हिनामी वहीं रह रही थी। कानेकी ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि तोका अपने फ्रेंड योरिको का दिया हुआ होममेड फूड आसानी से खा रही थी। वो सोचने लगा कि योरिको तोका के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। गोरमेट आग। अगले दिन तोका और कानेकी योमो के साथ अंडरग्राउंड प्रैक्टिस करते हैं। सुकियामा जिसका निकनेम गोरमेट था आंटेकू आता है क्योंकि वो कानेकी के स्मेल से अट्रैक्ट हो गया होता है। कुछ दिनों बाद सुकियामा कानेकी के यूनिवर्सिटी में आता है जब कानेकी एक मार्शल आर्ट्स बुक को पढ़ने में डूबा होता है। सुकियामा कानेकी को अगले संडे कैफे में मिलने के लिए पर्सुएड करता है। थॉट्स में लॉस्ट कानेकी आंटेकू चला जाता है पर वो बंद रहता है और
वहाँ वो योमो से मिलता है। योमो कानेकी को किसी से मिलने के लिए इनवाइट करता है। वो दोनों साथ में 14th वार्ड के हेल्टर स्केटलर वार्ड में जाते हैं, जहाँ वो योमो के कुछ पुराने दोस्तों और उस बार के ओनर इतोरी और उटा से मिलते हैं। इतोरी कानेकी के काकुगान को अनकवर करने के लिए उस पे कुछ ब्लड गिराती है। इतोरी वन आइड गोल को देखने के लिए एक्साइटेड रहती है। कानेकी बाकी के वन आइड गोल्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहता है। तब इतोरी कानेकी को हाइब्रिड्स, वन आई और हाफ गोल्स के बारे में बताती है। जल्द ही वो लोग कानेकी और रीजे के मिस्टीरियस डेथ के बारे में बात करने लगते हैं। तब कानेकी को पता चलता है कि वो एक्सीडेंट शायद किसी और ने सेटअप किया था। इतोरी कानेकी से डील करती है कि अगर वो गोरमेट के घोल रेस्टोरेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तो वो एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी। मीटिंग के बाद कानेकी थॉट्स में डूबा रहता है और गलती से कुछ गोल्स के बीच में चला जाता है जो निशियो को अटैक कर रहे थे। कानेकी निशियो को उन गोल्स से बचाता है और उसे अपार्टमेंट लेके जाता है, पर निशियो कानेकी को कर्स करता रहता है। जब कानेकी जाने वाला होता है तब किमी निशियो को प्रोटेक्ट करने के लिए कानेकी पे अटैक कर देती है, ये सोच के कि कानेकी एक नार्सिसिस्टिक आदमी है, पर निशियो उसे रुकने कहता है। अगले संडे स्क्वैश खेलने के बाद सुकियामा और कानेकी कैफे विजिट करते हैं। सुकियामा गलती से अपने फिंगर नेल से कानेकी की उंगली कट कर देता है और उसके ब्लड को अपने हैंकरचीफ से सोक कर लेता है और इसे सुकियामा का कानेकी के लिए ऑब्सेशन और बढ़ जाता है। कानेकी सुकियामा से गोल रेस्टोरेंट के बारे में जानने के लिए पूछता है। तब सुकियामा उसे गोल रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है, मगर ये ट्रैप रहता है क्योंकि कानेकी वहाँ डिनर बनने वाला था। उसके साथ ही कोबाची और आमी भी वहाँ डिनर बनने वाले थे। रेस्टोरेंट का स्क्रैपर उन दोनों को तुरंत मार देता है, जिससे कानेकी वहाँ अकेला रह जाता है। वो तारों पे कुछ हिट्स मारता है पर जल्द ही ओवरपावर कर दिया जाता है। डिस्पेरेशन में अपने लिमिट्स पुश करता है जिससे उसका काकुगान आई रिवील हो जाता है। जब सुकियामा को पता चलता है कि वो वन आइड घोल है तब उसको रियलाइज होता है कि कानेकी बहुत ही ज्यादा रेयर डिश है और वो ये डिसाइड करता है कि वो कानेकी को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा और कानेकी की जगह स्क्रैपर को मार देता है। सुकियामा के डर से कानेकी रात भर आंटेकू में सोता है। अगले दिन इनामी, कोशकतील, इतारे, योमो और योशिमुरा कानेकी को विजिट करते हैं। कानेकी उन्हें बताता है कि उसने बहुत से गोल्स देखे थे और वो सब अपने मास्क के पीछे से उस पर और बाकी के विक्टिम्स पर हंस रहे थे। योशिमुरा कहता है कि ये वो गोल्स थे जिन्होंने अपने इमोशंस को मार दिया है और लाइफ की वैल्यूज भूल गए हैं। योशिमुरा और योमो के जाने के बाद तोका कानेकी को बुलाती है क्योंकि एक लड़की उसे डाउनस्टेयर्स बुला रही थी। किमी कानेकी से मदद करने को कहती है क्योंकि निशियो की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। कानेकी उसे हेल्प करने का प्रॉमिस करता है। जब वो घर वापस जा रही थी तब सुकियामा कानेकी के लिए नेक्स्ट ट्रैप बिछाने के लिए किमी को किडनैप कर लेता है। कानेकी को पता चलता है कि सुकियामा ने किमी को किडनैप कर लिया है और निशियो किमी को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। कानेकी और निशियो साथ में सुकियामा को फेस करने का डिसाइड करते हैं, पर सुकियामा उन्हें इजिली डिफीट कर देता है। तभी तोका वहाँ आती है और कुछ देर के लिए कानेकी और तोका सुकियामा के सामने अपना स्टैंड रख पाते हैं, पर इवेंचुअली हार जाते हैं क्योंकि सिर्फ सुकियामा ही अपना कागुने यूज कर सकता था। सुकियामा कानेकी और तोका को मारने जा रहा होता है, पर तभी निशियो उसे रुकने कहता है और खुद को बहुत बार मारने कहता है। इससे कानेकी को आइडिया सोचने का टाइम मिल जाता है। कानेकी तोका को अपना थोड़ा सा फ्लैश खाने देता है जिससे उसका स्ट्रेंथ वापस आ जाता है और वो सुकियामा को डिफीट कर देती है। जब तोका उसे मारने जाती है तब कानेकी उसे बैक करता है कि वो ऐसा ना करे और तोका उसे नहीं मारती। आओगिरी आर्क। बांजो और उसके फॉलोवर्स आओगिरी के ऑर्डर्स पर आंटेकू में रीजे को खोजने आते हैं। तोका और कानेकी उनकी बात सुनने का डिसीजन लेते हैं और बांजो रीजे के साथ अपने टाइम के बारे में बताता है। बांजो को जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि कानेकी रीजे की तरह स्मेल करता है। कानेकी को रीजे का बॉयफ्रेंड सस्पेक्ट करते हुए बांजो कानेकी पे अटैक कर देता है, पर कानेकी आसानी से बांजो को नॉकआउट कर देता है। बांजो के उठने पर कानेकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने
के लिए उसे कहता है कि रीजे कहीं दूर मूव कर गई है और ये नहीं बताता कि रीजे मर गई है। बांजो कानेकी से रीजे को बोलने के लिए कहता है कि वो कहीं दूर चली जाए क्योंकि आओगिरी उसे बुरी तरह से हर्ट करना चाहते थे। उस मोमेंट में आया तो किरिशिमा यामोरी और निको आंटेकू को रेड करते हैं और अनाउंस करते हैं कि उन्हें रीजे को या फिर जो पर्सन उसके जैसा स्मेल करता है उसे कैप्चर करने का ऑर्डर मिला है। यामोरी कानेकी को मारता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। होश में आने के बाद कानेकी आयोतो से तोका के कंडीशन के बारे में पूछता है, जिसके रिप्लाई में आयोतो उस प्लेस के रूल्स बताता है और उसे काफी मारता पीटता है। कानेकी को तातारा के सामने लाया जाता है और उसे अपना काकुगान रिवील करने कहा जाता है। तातारा कानेकी के एब्डोमेन में पियर्स कर देता है। तातारा को रियलाइज होता है कि वो जैसा चाहता था वैसा कानेकी को यूज नहीं कर सकता था, तो वो आयोतो को अपने मन मुताबिक कानेकी के साथ कुछ भी करने कह देता है। तातारा कानेकी को बताता है कि डॉक्टर कानुओ को पता था कि कानेकी के साथ क्या हो रहा था और वो कानेकी के बॉडी में एक किडनी नहीं बल्कि एक काकुओ ट्रांसप्लांट किया था। मीटिंग के बाद बांजो कानेकी को अप्रोच करता है और कहता है कि उन दोनों को एक साथ वहां से एस्केप करना चाहिए। मीटिंग के दौरान कानेकी बांजो के रेजिस्टेंस ग्रुप से भी मिलता है और वो लोग भी आओगिरी से परेशान थे। जब सिक्योरिटी कम होगी तब वो लोग एस्केप करेंगे। एस्केप वाली रात एंटी आओगिरी ग्रुप एस्केप करने का प्लान करते हैं, पर बिन ब्रदर्स अलार्म हो जाते हैं और उन्हें इंटरवीन कर जाते हैं। जब बांजो उनके एस्केप को कवर करने के लिए पीछे रुक जाता है तब कानेकी और गैस मास्क उसके एड के लिए आते हैं और एक बिन ब्रदर को फेस करते हैं। फाइटिंग के बीच में यामोरी और निको और बहुत सारे रेजिस्टेंस के मेंबर उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने प्लान को सुन लिया है। ये जानते हुए भी कि बिट्रेयल का पेनल्टी डेथ होगा, यामोरी कानेकी से कोऑपरेट करता है और ये कहता है कि उसमें रीजे का ऑर्गन्स था और उसमें पोटेंशियल है। कानेकी धीरे से एक्सेप्ट करता है ये सोच के कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और उसे यामोरी और निको अपने हॉबी रूम में ले जाते हैं। सीसीजी के आओगिरी हाइड आउट को रेड करने के 10 दिन पहले यामोरी कानेकी को उसका हॉबी रूम दिखाता है। वहाँ एक डेड पर्सन को एक कुर्सी पे बैठा देख कानेकी शॉक हो जाता है। तब यामोरी उसे ये कहता है कि वो उसका अंडरलिंग था जिसे मिस्टेक करने के लिए टॉर्चर करके मार दिया गया। यामोरी कानेकी को आरसी सुपर रिस्ट्रेंट्स देता है और बताता है कि इनका यूज गोल्स को वीक करने के लिए किया जाता है और कानेकी के लेफ्ट आई में उस ड्रग को फोर्सिबली इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद कानेकी वीक हो जाता है और यामोरी उसे आराम से टॉर्चर करता है। बहुत दिनों के टॉर्चर ने कानेकी के मेंटल और फिजिकल स्टेट में काफी बदलाव आ गया था। यामोरी कानेकी को बताता है कि कानुओ को पता था कि वो कानेकी को हाफ गोल बना रहा है और रीजे का काकुओ स्पेशल था क्योंकि उसमें एबनॉर्मल वाइगर था। टॉर्मेंट की वजह से कानेकी का हेयर व्हाइट हो जाता है और वो सोचने लगता है कि उसके फ्रेंड्स का क्या हुआ। डिस्पेयर के स्टेट में वो रीजे के बारे में हेलुसिनेट करता है और पास्ट के बारे में सोचने लगता है। रीजे उसे और उसकी मदर को वीक कहती है, पर उसके फिनिश होने से पहले यामोरी केई और कोतो के साथ अपेयर होता है। कानेकी को एक और अल्टीमेटम मिलता है कि वो किसे बचाना चाहता है। यामोरी के ट्विस्टेड प्लेजर से कंप्लाई ना करने के कारण कानेकी रिफ्यूज कर देता है। यामोरी अल्टीमेटली दोनों मदर और चाइल्ड गोल्स को मार देता है और वहां से चला जाता है। कानेकी डिसअपीयर में वहीं रह जाता है। रीजे कानेकी को टॉन्ट करती है कि उसके वीकनेस की वजह से उन दोनों की मौत हुई थी। रीजे कहती है कि अगर यामोरी और आओगिरी के जैसे ब्रूटल गोल्स पावर में आए तो कानेकी के फ्रेंड्स का भी ऐसा ही हाल होगा। तब कानेकी को रियलाइज होता है कि इसे प्रिवेंट करने के लिए उसे फुल हार्टेडली एक गोल बनना होगा और अपने कागुने को कंट्रोल करना सीखना होगा। सीसीजी अटैक के दौरान यामोरी कानेकी के पास वापस आता है और उसे कहता है कि उसने एक र्यूमर सुना था जिसके मुताबिक अगर एक गोल दूसरे गोल को खा जाएगा तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, पर गोल्स के फ्लैश का टेस्ट बहुत डिस्कस्टिंग होता है। जब वो कानेकी को क्रेव करने के लिए मुड़ता है तब कानेकी उसे काट लेता है और कहता है कि वो र्यूमर ट्रू है। कानेकी खुद को चेयर से फ्री कर लेता है और यामोरी को फिर से काट लेता है और उससे फाइट करने लगता है। दोनों फाइट करते हैं पर इवेंचुअली कानेकी यामोरी को ओवरपावर कर लेता है और उसका कागुने खा लेता है। उसे पूरी तरह से खाकर कानेकी उसे रिमाइंड कराता है कि थोड़ी देर में सीसीजी के लोग वहां आ जाएंगे और हॉबी रूम
को रेड करके उसे उसके कमजोर स्टेट में मार देंगे। बाद में कानेकी आयातो से फाइट करता है और उसे उसके आवगिरी में मोटिवेशन के बारे में पूछता है। कानेकी को ये समझ आ जाता है कि आयातो तोका को प्रोटेक्ट करने के लिए आवगिरी ज्वाइन किया है। फाइट इवेंट चलती है और इसको एंड करने के लिए कानेकी आयातो को एक बिल्डिंग में क्रैश कर देता है जिससे उसके 103 बोन्स टूट जाते हैं। जब बैटल खत्म होता है तब कानेकी और उसके फ्रेंड सेफ रहते हैं। कानेकी कहता है कि वो वापस आंटेकु नहीं जाएगा। वो बांजो, सुकियामा और हिनामी को खुद को फॉलो करने देता है पर तोका को अलाउ नहीं करता। रेड ऑफ कानोज लैब। आउगिरी हाइडआउट के इन्वेजन के बाद ये र्यूमर्स आने लगते हैं कि कानेकी ने सिंगल हैंडेडली गोल्ड रेस्टोरों को डिस्ट्रॉय किया और अराउंड 50 या 60 मेंबर्स को मार दिया। इस एनालिशन के पीछे का मकसद मैडम ए को कैप्चर करना और इंटरोगेट करना था क्योंकि वो भी कानुओं के कोलैबोरेटर थी। सुकियामा की सोसाइटी में पोजीशन की वजह से कानेकी मील के डिस्गाइज में जाता है। पांजो का ग्रुप एग्जिट पे पोजीशन था जिससे कोई मेंबर एग्जिट ना कर पाए। अटैक स्टार्ट होता है। सुकियामा कानेकी को एज अ मील प्रेजेंट करता है और कानेकी अपने रास्ते में आने वाले हर गोल को मारते हुए मैडम ए को परस्यू करने लगता है। वो मैडम ए को रीच करने ही वाला होता है कि उसे कुरोना और नाशीरो फ्रंट करते हैं। दोनों वन आइड घोल्स थे और उनमें भी डॉक्टर कानुओ ने रीजे के कागुने को अटैच किया था। कानेकी वन आइड ट्विन्स से लड़ने में उलझ जाता है और मैडम ए एस्केप कर जाती है। बाद में रीजे के अर्ली लाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए वो लोग एक घोल से मिलते हैं जो रीजे की ही फैमिली का था। उसका नाम मातासाका कामिशीरो था और साची के अलाइस के साथ वो पास्ट में 6th वार्ड के घोल्स का लीडर था। अपने क्वार्टर्स में कानेकी हिनामी के हेयर कट करता है। चियोहोरी से कोकलिया के स्केपीज का डेटा रिसीव करने के बाद वो हेल्टर स्केल्टर बाहर जाता है इस डाटा के बदले कानुओ के लोकेशन इतोरी से जानने। इतोरी कहती है कि उसके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं था। वो उसे डॉक्टर कानुओ के बारे में जितना भी जानती थी बता देती है। वहाँ उसे पता चलता है कि कानुओ पहले सीसीजी का एक क्रोनर था। कानेकी जानना चाहता है कि लोगों को घोल्स बना के कानुओ को क्या अकम्प्लिश करना है। नीको बार में एंटर करता है और कानेकी अग्रेसिव हो जाता है और उसे पूछता है कि वो आउगिरी ट्री के हाइडआउट पे क्यों गया था। नीको कहता है कि वो बस यामोरी की वजह से वहाँ था। कानेकी का ट्रस्ट गेन करने के लिए वो उसे आउगिरी ट्री का कुछ इंटेल बता देता है। वो उसे बताता है कि आउगिरी ट्री कुछ मिलिटेंट घोल्स का ग्रुप था जिसे वन आइड किंग लीड करता था और उनमें से बहुत सारे 24th वार्ड से थे। कानेकी नीको से पूछता है कि आउगिरी ट्री रीजे और कानुओ को क्यों चेस कर रहे थे और उनका मेन गोल क्या है। नीको तातारा के वर्ड्स में कहता है टू स्मोक आउट द लायर। फिर वो कानेकी को विस्पर करके वन आइड किंग की आइडेंटिटी बताता है। कानेकी इतोरी को बताता है कि उसके दिमाग में एनिमी का मेंटल इमेज था और अगर वो सच में आउगिरी को लीड कर रहा था तो कानेकी को बस उस लीडर को क्रश करना है। कानेकी डिसाइड करता है कि उसे मैडम ए से बात करना है पर उसे वन आई ट्विंस गार्ड कर रहे होते हैं। इतोरी कहता है कि रिसेंटली बहुत से इंसिडेंट्स हो रहे थे जिनमें एक रैबिट मास्क पहनने वाला घोल इन्वॉल्व रह रहा था। बाद में कानेकी बांजो के साथ ट्रेनिंग करता है। बांजो सजेस्ट करता है कि उन्हें वापस 20th वार्ड में जाना चाहिए क्योंकि मे बी कानुओं ने हॉस्पिटल में कुछ ट्रेस छोड़े होंगे। कानेकी एग्री करता है। वो ये भी जानना चाहता था कि कहीं ये रैबिट मास्क घोल तोका तो नहीं। कानेकी एक नर्स से मिलता है और उसे कानुओं के लोकेशन के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि कानुओ किसी रिसर्च की वजह से जर्मनी में है। कानेकी तोका को एक गिफ्ट भेजता है। बांजो उसे पूछता है कि वो तोका से मिलना नहीं चाहता। तब वो कहता है कि वो घोल वर्ल्ड में तोका से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। कानेकी कहता है कि उसने पैसेंजर्स लिस्ट चेक किया था और उसमें कानुओं का नाम नहीं था। तो या तो उस नर्स ने झूठ कहा है या फिर कानुओं ने नर्स से झूठ कहा होगा। कानेकी और उसका ग्रुप डिसाइड करते हैं कि वो लोग नर्स को किडनैप करके इंटेरोगेट करेंगे। पर जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तभी आउगिरी ट्री के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। कानेकी और नाकी क्लैश करते हैं और सडनली साची भी उस पर अटैक कर देता है क्योंकि उसने अपेरेंटली आउगिरी ट्री को ज्वाइन कर लिया था। साची के फर्स्ट अटैक को कानेकी सही से
ब्लॉक नहीं कर पाता और उसका हाथ टूट जाता है और दूसरे पंच में वो दूर तक नॉक हो जाता है। कानेकी उठता है और उसका फोर टेल्ड कागुने निकलता है और उसके ब्रोकन बोन्स हील हो जाते हैं। कानेकी साची को मारने की कोशिश करता है और फर्स्ट टाइम मिस कर जाता है, पर तुरंत अपने कागुने का डायरेक्शन चेंज करके उसे पीछे से पियर्स कर देता है। साची अपने कागुने एक्टिवेट करके कानेकी के होल्ड से बाहर आ जाता है और उस पे अटैक करने लगता है। कानेकी उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसके एब्डोमेन में चोट लग जाती है और वो ब्लड कफ करने लगता है। फाइट के बाद साची और उसका ग्रुप नर्स को लेकर चले जाते हैं और कानेकी उन्हें कर्स करता रहता है। वो और उसका ग्रुप मैडम ए को अकेला पाकर उसे कैप्चर कर लेते हैं। साची से डिफीट की वजह से कानेकी और ज्यादा ट्रेन करके अपनी फाइटिंग एबिलिटीज को एनहेंस करने लगता है। वो सुकियामा को खुद को ट्रेन करने कहता है और उसे अपना पूरा जोर लगाने कहता है। बाद में मैडम ए उन्हें एक अबैंडेंड मैंशन में ले जाती है जहां वो कहती है कि डॉक्टर कानुओ रहता है। घर इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्हें डॉक्टर कानुओ कहीं नहीं मिलता तो कानेकी मैडम ए को थ्रेटन करने के लिए एक दीवार को एक्सीडेंटली क्रश कर देता है और वहां कुछ स्ट्रेंज ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो कि आरसी सेल वॉल होते हैं और उन्हें डिटैच्ड कागुने से बनाया गया था। मैंशन में और अंडरग्राउंड जाने पर उन्हें कानुओ के बहुत से फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स दिखते हैं। वन आई ट्विंस फिर से उनके सामने आ जाते हैं पर कानेकी उन पर ऊपर से जंप करके और अंडरग्राउंड चला जाता है। नीचे जाने पे वो साची से मिलता है जो तुरंत कानेकी पर हमला कर देता है, पर कानेकी डॉज कर लेता है और कानेकी साची को मार के ब्लाइंड कर देता है, पर साची अभी भी कानेकी के अटैक्स को डॉज कर लेता है। कानेकी अपने काकुगान और कागुने को एक्टिव कर लेता है। कानेकी साची को अपने कागुने से बार बार कट करके डाउन कर देता है। कानेकी सोचता है कि साची मर गया और उसे खाने जाता है, पर तभी साची उठ जाता है और कानेकी के सर पकड़ के उसे जमीन पर गिरा देता है। कानेकी उठता है और देखता है कि डॉक्टर कानुओ काकुओ फार्म चेंबर के टॉप पे खड़ा था और वहाँ रीजे भी थी। कानेकी को डॉक्टर कानुओ के मोटिव्स के बारे में पता चल जाता है और वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। कानुओ मैनकाइंड जी घोल बना के फ्री करना चाहता था। कानेकी कहता है कि कोई भी सेन मैन ऐसा काम नहीं करेगा और डॉक्टर कानुओ ने कानेकी को ऐसा बना दिया है। डॉक्टर कानुओ कहता है कि उसने ह्यूमंस के वर्ल्ड को गिव अप कर दिया है और अगर कानेकी को जिंदा रहना है तो उसे घोल्स के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। कानेकी इस ऑफर को क्वेश्चन करने लगता है, तब डॉक्टर कानुओ कहता है कि जिसने आउगेरी ट्री को उसका नाम दिया है वो योशिमुरा है। कानेकी शॉक हो जाता है, तभी योमो वहाँ आता है और रीजे को लेके चला जाता है और जाने से पहले कानेकी से कहता है कि उसे उसी रास्ते पे चलना चाहिए जिसे उसने पहले डिसाइड किया था और वो ये भी कहता है कि डॉक्टर कानुओ को ट्रैक करते हुए डर्व्स भी वहां आ रहे हैं। साची कानेकी को फिर से मार के गिरा देता है और कहता है कि वो उसके लिए कोई मैच नहीं था। डॉक्टर कानुओ अपने फेल्ड एक्सपेरिमेंट से कानेकी पे अटैक करवाता है और उसे दोबारा मिलने को कह के एस्केप कर लेता है। कंफ्यूज्ड ब्रोकन और हर्ट कानेकी उन एक्सपेरिमेंट्स को खाने लगता है और ये कहता है कि वो अब होल्ड बैक नहीं करेगा। जब सीसीजी अंदर घुसती है, आतो शिनोहारा कानेकी को उसके सेंटीप्यूड लाइक हाफ काकुजू स्टेट में एनकाउंटर करता है। शिनोहारा जल्दी से अपना ब्लेड स्वॉर्ड क्विंकी प्रिपेयर करता है और आराता का आर्मर भी निकालता है। कानेकी अपने काकुजा के वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और रैंडम डायरेक्शंस में जंप करके शिनोहारा पे अटैक करने लगता है, पर इस बीच शिनोहारा कानेकी के एब्डोमेन में अपने क्विंकी से कट कर देता है। कानेकी नीचे गिर जाता है और अपना सिक्स टेल्ड कागुने से शिनोहारा पे अटैक करके उसे इमोबिलाइज कर देता है। जब एमोन अंदर आता है तब वो देखता है कि कानेकी शिनोहारा के कॉप्स को खा रहा था। ये देख के वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कानेकी पे अटैक करता है, पर कानेकी उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर वहाँ बहुत से इन्वेस्टिगेटर्स आ जाते हैं और कानेकी को SS रेटेड होल डिक्लेयर कर देते हैं और फाइट में इंटरफेयर नहीं करते। फिर वहाँ जूजो आता है और अपने क्विंकी से कानेकी को कट कर देता है और तभी एमोन भी अपने फाइनल अटैक से कानेकी को जमीन पे ला देता है। कानेकी कहता है कि वो
और नहीं खाना चाहता और वहाँ से एस्केप कर लेता है और अपने ग्रुप से मिल जाता है। बांजो उसे हेल्प ऑफर करता है पर कानेकी उसे एब्डोमेन में स्टैब कर देता है और अपने माइंडलेस स्टेट में वापस एंटर कर जाता है। अपने सेंसेस में वापस आने के बाद वो सोचता है कि वो स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहता था और क्यों उसने अपनी ह्यूमैनिटी को फेंक दिया था और कॉन्स्टेंटली सॉरी बोलता रहता है क्योंकि वो सोचता है कि उसने बांजो को मार दिया था। बांजो की इंजरीज हील हो जाती है और वो कानेकी को काम करने कहता है और फाइनली कानेकी का काकुजा मास्क उसके फेस से गिर जाता है। पोस्ट रेड ऑफ कानुओस लैब। काफी वक्त बाद कानेकी अपने रूम में डिप्रेस्ड रहता है। हिनामी उसे इंटरप्ट करके पूछती है कि क्या उसने दी हैंग मैंस मैकफिन पढ़ा है। वो उसे ये भी बताती है कि सेन ताकासुकी का एक बुक साइनिंग मीटिंग होने वाला है और क्या वो उसमें जाना चाहेगा। कानेकी कहता है कि वो मूड चेंज करना चाहता है और क्या हिनामी उसके साथ जाएगी। मीटिंग पे कानेकी ऑथर से काफी बातें करता है और ऑथर ये देख के सरप्राइज हो जाती है कि कानेकी उसके बुक से कितना डेडिकेटेड था। कानेकी उस मीटिंग से खुशी खुशी वापस जाता है। कुछ टाइम बाद वो उटा के मास्क स्टूडियो पे जाता है और योमो और योशिमुरा के बारे में पूछता है। इसके रिप्लाई में उटा बताता है कि कैसे वो और योमो फ्रेंड्स बने थे और कैसे योशिमुरा ने एक बार आरिमा के अगेंस्ट फाइट में उसकी जान बचाई थी। कुछ वक्त बाद वो योमो के पास जाता है और उसे रीजे से मिलने की बात कहता है पर योमो मना कर देता है और कानेकी इंसिस्ट करता रहता है और उस कंटेनर तक चला जाता है जहां से आवाज आ रही थी और वहां वो रीजे को ढूंढ लेता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है पर देखता है कि वो पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी। तब योमो उसे बताता है कि वो रीजे को बस जिंदा रहने जितना ही फीड कर रहा है और ज्यादा खाना देने से वो ब्रेक फ्री कर लेगी। कानेकी कहता है कि उसका स्ट्रेंथ सिर्फ एक इल्यूजन है पर योमो कहता है कि उसका स्ट्रेंथ सिर्फ उसका है और उसे जल्दी ना बताने के लिए माफी मांगता है। रीजे से मिलने के बाद और ये जानने के बाद कि योशिमुरा वन आइड गोल के लिए कवर कर रहा था, कानेकी आंटेकू वापस जाता है मैनेजर से बात करने के लिए। कानेकी उसे बताता है कि उसे कैसे ये सब के बारे में पता चला और वो उसे ये भी बताता है कि उसका बेटा ही वन आइड किंग है और वो करेंटली आओगिरी ट्री को लीड कर रहा है। योशिमुरा कहता है कि सिर्फ कानेकी ही ह्यूमन और गोल वर्ल्ड्स दोनों को समझ सकता था और वो जिन चीजों को खुद से दूर कर रहा है वो उसका आधा हिस्सा है। मैनेजर कहता है कि ये सब सिर्फ कानेकी का चॉइस है पर वो चाहता है कि फ्यूचर में कानेकी बहुत से लोगों को बचाए इंक्लूडिंग उसकी डॉटर। कानेकी आंटेकू से जा रहा होता है तभी तोका उसे इंटरसेप्ट कर देती है और वो उसे बताता है कि मैनेजर ने उसे वापस आ जाने के लिए कहा है। तोका उसे पूछती है कि क्या उसने डिसाइड किया है। कानेकी कहता है कि वो अब भी श्योर नहीं है और वो सब लोग जो उसके करीब है वो उन्हें बचाना चाहते हैं चाहे जो भी कॉस्ट हो। तोका गुस्सा हो जाती है और कहती है कि असलियत में कानेकी अकेला नहीं रहना चाहता और वो उसे वापस आंटेकू आ जाने कहती है और उसे हिट करती है। ये सुन के कानेकी शॉक हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तोका उसे पूछती है कि वो ऐसे अचानक से चेंज क्यों हो गया था और फिर वहां से चली जाती है। ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पे कानेकी कहता है कि वो ग्रुप को डिस्बैंड करना चाहता है और वापस आंटेकू जाना चाहता है। वो बाकियों को भी वहां जाने के लिए इनवाइट करता है। इसी बीच सीसीजी ब्यूरो डायरेक्टर योशी तोकी वाशु चेयरमैन सुने योशी वाशु आउल सप्रेशन ऑपरेशन को कैरी आउट करने का परमिशन मांगता है। आउल सप्रेशन ऑपरेशन। सीसीजी ऑफिसर्स आंटेकू को रेड करने का प्लान को सुनने के बाद कानेकी जल्द से जल्द आंटेकू की तरफ बढ़ता है ताकि वो वहाँ योशिमुरा की मदद कर सके। काया और एनजी की सेफ्टी इंश्योर करने के बाद कानेकी योशिमुरा की तरफ बढ़ता है पर उसके सामने एमोन आ जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है। कानेकी एमोन का क्विंकी ब्रेक कर देता है और उसे जल्दी डिफीट कर देता है पर तभी वहाँ कोइत्सु चिगियो आ जाती है और एमोन को अपग्रेडेड जीमा और आराता आर्मर का न्यूएस्ट प्रोटोटाइप दे देता है। इन इक्विपमेंट्स की वजह से एमोन कानेकी पे अटैक लैंड कर पाता है और कानेकी नॉक बैक हो जाता है। इस इंपैक्ट से कानेकी अपना काकुजा अनलीश कर देता है और दोनों में क्लैश होता है। फाइट के एंड में एमोन का एक हाथ कट जाता है और कानेकी के वेस्ट के पास एक डीप वाउंड हो जाता है। कानेकी स्वीवर्स की तरफ बढ़ने लगता है पर उसके इनकम्प्लीट काकुजा के साइड इफेक्ट से वो पागल सा होने लगता है और तभी
हीरे वहां आ जाता है। कानेकी सोचता है कि हीरे सिर्फ एक इल्यूजन है, पर हीरे कहता है कि वो जानता है कि कानेकी एक खोल बन चुका है और वो अब भी कानेकी को एड करना चाहता है। हीरे कानेकी से पूछता है कि क्या वो एस्केप करने के लिए अपना पूरा ताकत लगा सकता है। कानेकी पास आउट हो जाता है और जब उठता है तब हीरे कहीं नहीं दिखता। कानेकी V14 रूट पे वॉन्डर करने लगता है और वहाँ उसके सामने कीशो आरिमा आ जाता है और कानेकी को लगता है कि वहाँ एक फ्लावर फील्ड है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि वो मरे हुए घोल्स के कॉप्स का फील्ड है जिसे आरिमा ने स्ले किया था। कानेकी को पता था कि आरिमा कौन है, पर फिर भी वो फाइट करने लगता है। आरिमा उसके बैक और काकुगान आई में स्टैब कर देता है। कानेकी पागल होने लगता है और उसके कागुने में 8 क्लॉज आ जाते हैं और वो पागलपन में नॉनसेंसिकल बातें बोलने लगता है। आरिमा कानेकी को सप्रेस करता है, तब कानेकी सोचता है कि वो आरिमा को एक अटैक में खत्म कर देगा क्योंकि आरिमा एक ह्यूमन है, पर आरिमा उसके अटैक को अपने क्विंकी से ब्लॉक कर लेता है। आरिमा कहता है कि वो जानता है कि कानेकी कौन है और वो इम्प्रेस था कि कानेकी उसके क्विंकी को डैमेज कर पाया था। फिर आरिमा कानेकी को उसके बॉडी के थ्रू स्टैब करके हवा में उठा देता है और फिर उसे जमीन पे गिरा देता है। आरिमा कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कानेकी उसके क्विंकी को डैमेज कर पाएगा और वो उसे उसके हेड में स्टैब कर देता है और कहता है कि उसे न्यू क्विंकी की जरूरत थी। पोस्ट ऑल सप्रेशन ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद कानेकी को कोलिया में इम्प्रिजन कर दिया गया था और उसका प्रिजनर नंबर 240 था। उसका मेंटल स्टेट काफी ज्यादा खराब हो चुका था। वो अपने आइस को खरोचता रहता था, खाना नहीं खाता था और रात भर रोता था। वो दरवाजे पर अपने फिंगर्स नेल से तब तक क्लॉ करता था जब तक उसके फिंगर नेल्स उखड़ नहीं जाते और वो चिल्लाता भी था। वो एमिनेसिया भी सफर करता था। प्रिजन स्टाफ सोचते थे कि वो जल्द ही मर जाएगा। आरिमा कानेकी के लिए बुक्स लाने लगा, उससे उसका मेंटल स्टेट काफी सही होने लगा। बाद में आरिमा कहता है कि उसे कानेकी का न्यू नाम रखना होगा क्योंकि वो कानेकी का इन्वेस्टिगेटर था और उसे एक नाम चूज करने कहता है। कानेकी कॉफी और वर्ल्ड में से अपने दो फेवरेट कांजी सेलेक्ट करता है और अपना नाम हाइजे रखता है। कुछ वक्त अकीरा अपने फादर के ग्रेव पे अपने प्रमोशन की न्यूज बताने जाती है और कहती है कि उसे एक न्यू जूनियर को ट्रेन करना था। तब वो जूनियर सामने आके कहता है कि वो सासा की है। टॉर्सो इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट वार्ड के CCG मेन ऑफिस में हाइजे सासाकी को क्विनेक्स स्क्वाड का मेंटर बताया जाता है। उसके टीममेट्स उसके बगैर एक इन्वेस्टिगेशन करने चले जाते हैं जिससे वो काफी डिस्ट्रॉट हो जाता है। हाइजे और मुत्सुकी एक हाई क्लास इन्वेस्टिगेटर्स के टीम को कंसल्ट करने का डिसाइड करते हैं, पर वो लोग इनके साथ बुरा बिहेव करते हैं। वो लोग सासाकी को इनकम्पोनेंट एंड डिसऑनरेबल लेबल कर देते हैं क्योंकि वो अपने स्क्वाड को खुद से हैंडल नहीं कर पा रहा था। बाद में सासाकी इन्वेस्टिगेशन सीन पे पहुंचता है और उरिये को आकाशी कोबायाशी का लाइफ स्पेयर करने कहता है क्योंकि उसे शायद कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सकता था। गोल्स को नीडलेसली एक्सटर्मिनेट करने के लिए वो अपने मेंबर्स को डांटता है, पर उसे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। उसे टॉर्सो केस को ब्लाइंडली फॉलो करने और ज्यादा एफर्ट्स ना डालने का अक्यूज किया जाता है। सासाकी शिबा के ऑफिस जाता है और क्विज के डाइट से उनके लेवल पे इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। फिर वो टीम मादो, टीम हीरा को और टीम शिमोगुची से मीटिंग करता है। मीटिंग के बाद सासाकी कुरामोतो इतो से मिलता है जो उसे सर्पेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। घर आने के बाद सासाकी देखता है कि उरिये और शिराजू फिर से इंडिपेंडेंट मिशन पे चले गए थे। वो उन दोनों को टीम के साथ काम करने के बारे में सिखाना चाहता है, पर वो दोनों नहीं सुनते। तब सासाकी सीरियस हो जाता है और मुत्सुकी को खुद को कंपनी करने कहता है और टॉर्सो को परस्यू करता है। हाइजे और मुत्सुकी SS लेवल के कोकलिया पे जाते हैं और दोनातो पोरपोरा से टॉर्सो के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। हाइजे को बताया जाता है कि घोल्स अक्सर ह्यूमन सोसाइटी में मिक्स हो जाते हैं और जनरली टैक्सीज ड्राइव करते हैं। सासाकी को रियलाइज होता है कि उरिये उसे मिशन में काफी आगे है, पर दोनातो उसे वापस आने को कहता है क्योंकि एक स्पेशल केस है जिसमें सासाकी खुद इन्वॉल्व है। रिसेंटली
हाइजे को नाइटमेयर्स आते हैं, जिसमें एक यंग मैन काफी डिप्रेस्ड और होपलेस सासकी से कहता है कि वो कभी अपने वीकनेस के ऊपर राइज नहीं कर पाएगा, पर हाइजे इस ड्रीम पे ध्यान नहीं देता। जल्द ही सासकी तोर्सो के केस में इमर्ज हो जाता है और उसके अजीब हरकतों के बारे में स्टडी करने लगता है। ये घोल अपने विक्टिम्स के पैर काट दिया करता है जिन्हें सर्जरी से स्कार मिले होते हैं। डेडलाइन से पहले हाइजे और मुत्सुकी कुछ सर्जिकल क्लिनिक्स पे जाते हैं। जिस रात तोर्सो का आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाता है, सासकी पुलिस से कहता है कि वो अपने कार से बैरिकेड बना दे जिससे वो टैक्सी रुक जाए जिसमें तोर्सो और मुत्सुकी थे और उन्हें उरिये और शिराजू चेज कर रहे थे। कुछ वक्त बाद उनके टीम के सामने सरपेंट आ जाता है। जब हाइजे देखता है कि उसके टीम मेंबर्स सरपेंट के सामने वीक पड़ रहे हैं, तब वो वहां इंटरवीन करता है और अपने क्विंकी से सरपेंट के कागुने को कट कर देता है, पर इससे सरपेंट को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो हाइजे को बार बार अटैक करते रहता है। इसी बीच सासकी अपने सबकॉन्शियस में चला जाता है और वहां कानेकी से मिलता है। कानेकी जेसन के हॉबी रूम में रहता है और वो हाइजे से कहता है कि अगर उसमें करेज नहीं है तो वो और उसके मेंबर्स मारे जाएंगे, पर हाइजे उसे डिसमिस करता है और कहता है कि वो खुद डिसाइड करेगा कि क्या करना है। वो मुत्सुकी को आकिरा मादो को बुलाने कहता है और उसका कागुने खुद को मैनिफेस्ट करने लगता है, तो अपना फिंगर क्रैक करके अपना कागुने जनरेट करता है और सरपेंट से बैटल करने के लिए रेडी होता है। सरपेंट हाइजे के तोर्सो में स्टैब कर देता है, पर वो क्विकली अपने इंजरी से रिवाइव हो जाता है। जब सासकी पागलों की तरह सरपेंट को टॉन्ट करने लगता है, तब मुत्सुकी उसके सडन चेंज को देख के शॉक हो जाता है। सासकी अपने टेंटैकल से सरपेंट को इंपेल कर देता है और उसे जमीन पर पिन कर देता है। जब सासकी उसका मास्क हटाता है, तब पता चलता है कि वो निशियो है। निशियो कहता है कि सासकी अपने लाइफ में कहीं भी जाए, कुछ भी करे, वो हमेशा हेल्पलेस ही रहेगा। निशिकी हाइजे को कानेकी कह के पुकारता है और हाइजे ऑटोमेटिकली उसे निशियो सेनपाई कहता है और बहुत कंफ्यूज हो जाता है। निशिकी स्केप कर जाता है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से सासकी पागल होने लगता है। ताके हीरा को सरपेंट मिशन को कॉल ऑफ कर देता है और कहता है कि उनका न्यू टारगेट हाइजे होगा। अकीरा वहां आती है और एक स्नाइपर से हाइजे को आरसी सप्रेजेंट बुलेट से सुला देती है। अकीरा फिर से हाइजे को ट्रीट करती है और उसे अपने सिचुएशन को इंटरप्ट करने कहती है। अकीरा फिर सभी क्वीज को बताती है कि हाइजे डॉक्टर कानुओ के काकुओ एक्सपेरिमेंट का विक्टिम था। इसके बावजूद भी सीसीजी हाइजे को ह्यूमन की तरह ट्रीट करते थे, पर अगर वो कंट्रोल खो देगा तो उसे गोल की तरह ट्रीट किया जाएगा और एक्सटर्मिनेट भी कर दिया जाएगा। सरपेंट वाले फेलियर की काफी वक्त बाद हाइजे को S3 मीटिंग अटेंड करना था, जहां वो किशुओ आरिमा से प्राइवेट कन्वर्सेशन करता है। क्विंग्स लिविंग क्वार्टर्स में हाइजे उरिये को बिरेट कर देता है क्योंकि उसने अपने कॉमरेड्स की लाइफ को मुश्किल में डाल दिया अपने सेल्फिश नीड्स के लिए। फिर वो उरिये को स्क्वाड लीडर के पोजीशन से हटा के शिराजू को वो पोजीशन दे देता है। उरिये सासकी को इंसल्ट करता है और उसे घोल कहता है। सासकी उसे मजाक में कहता है कि अगर उसने फिर कभी उसे घोल कहा तो वो उरिये को खा जाएगा। सासकी अपने रूम में जाके रोने लगता है। सासकी आरिमा से मिलने जाता है और उनमें माइनर स्पार होता है। आरिमा सासकी को उसका बुक लौटा देता है और दोनों बात करते हैं। सासकी कहता है कि उसे उसकी बाउंड्रीज क्रॉस करने के लिए फोर्स किया गया और उसे अपना कागुने यूज करना पड़ा, पर आरिमा इस इशू को डिसमिस करता है। जब हाइजे से उसके हेलुसिनेशन के बारे में पूछा जाता है, तब वो कहता है कि कानेकी उसके बॉडी को कंज्यूम करना चाहता है। सासकी ये भी कहता है कि उसे अपने पहले 20 ईयर्स की मेमोरी याद नहीं थी और वो आरिमा और अकीरा को अपने पेरेंट्स की तरह मानता है और बाकी के CCG मेंबर्स उसकी फैमिली है। ऑक्शन। कानेकी बाद में अकीरा के साथ शिमोगुची से मिलने हॉस्पिटल जाता है। अकीरा उसे SS रेटेड आउगिरी ट्री के रैबिट घोल के बारे में बताती है और कहती है कि टोर्सो के मोटिव्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ ब्लेंड होना था। मुत्सुकी के साथ हाइजे डिसाइड करता है कि उनका न्यू टारगेट नट क्रैकर है। वो जूजो सुजुया के साथ अपने फर्स्ट इनकाउंटर के बारे में भी कहता है, जब जूजो ने उसे रैंडमली कुछ पैसे दे दिए थे। सासकी सजेस्ट करता है कि घर जाने से पहले वो लोग एक न्यू
कैफे में जाएं। वो एक कॉफी शॉप में जाते हैं जिसका नाम रे था। कॉफी शॉप में घुसते ही वो कॉफी के डिलीशियस स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, पर वेट्रेस को देखते ही वो शॉक और कंफ्यूज्ड हो जाता है। कॉफी शॉप लीव करते ही हाइजे स्पेस आउट करने लगता है, जिससे मित्सुकी और शिराजू को टेंशन होने लगती है। अगले दिन हाइजे उरिये और तोरू हानबे आबारा से मिलते हैं नटक्रैकर का केस डिस्कस करने के लिए। हाइजे अटेंटिव नहीं रहता और कॉफी शॉप के बारे में अपने एक्सपीरियंस को बार बार याद करने लगता है। जब योमो हाइजे के फेशियल फीचर्स को स्क्रंटनाइज करने लगता है, तब हाइजे स्टार्टल हो जाता है। कॉफी आने के बाद हाइजे कॉफी का एक सिप लेता है और उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। तोका उसे हैंकरचीफ ला देती है और वो तोका को देख के सोचता है कि वो एक बहुत ट्रबल्ड स्माइल दिखा रही है और वो बहुत सुंदर है। तभी जूजो सुजुया वहाँ आ जाता है, हाइजे के पॉकेट्स में स्नैक्स ढूंढने लगता है और हाइजे ने कुछ स्नैक्स पहले ही रखे होते हैं। फिर वहाँ शिराजू साइको को अपने बैग में कैरी करते हुए एंटर करता है। हानबे कहता है कि नटक्रैकर एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का पार्ट है और वो मैडम से रिलेटेड है। हाइजे और उसके टीम को उस पे स्पाई करना था, पर नटक्रैकर को इस बारे में पता चल जाता है और मिशन फेल हो जाता है। बाद में उरिये हाइजे से अपने एक कागुने फ्रेम को रिलीज करने के लिए एक लेटर साइन करवाता है। हाइजे उरिये को मना कर देता है और उसे डिसाइड करने के लिए थोड़ा और टाइम मांगता है। अगले मीटिंग में आने वाले ह्यूमन ऑक्शन में नटक्रैकर के रोल के बारे में डिस्कस होता है। सासकी कोकलिया जाता है दोनातो पोरपोरा से मिलने के लिए। वो लोग सासकी के मेमोरीज और उसके बदले हुए एटीट्यूड के बारे में बात करने लगते हैं। दोनातो उसे एडवाइस देता है कि वो अपनी मेमोरीज को सीख करे और किसी ऐसे घोल से मिले जिससे उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो और जो सासकी के लॉस्ट मेमोरीज को अच्छे से जानता हो। ये घोल खुद को सासकी का फ्रेंड कहता था। सासकी वापस से री जाता है अकेले। वहाँ वो शेल्फ पे रखी बहुत सी बुक्स को देखता है और तोका उसे पूछती है कि वो अपनी लिविंग के लिए क्या करता है। उस शाम वो अपने स्क्वाड से मिलता है और वो लोग इन्वेस्टिगेशन के नेक्स्ट स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑक्शन के इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखते हुए सासकी कहता है कि वो लोग वुमेन बन के अंडर कवर वहाँ जाएंगे। नटक्रैकर की सभी लेटेस्ट टारगेट यंग वुमेन्स थी। वो उन्हें पार्ट टाइम जॉब का झांसा दे के ऑक्शन में भेज देती है। वो लोग अंडर कवर में 13th वार्ड के एक नाइट क्लब में जाते हैं। सासकी मजाक में कहता है कि एक मिशन में वो अकीरा के साथ एक क्लब आया था और अकीरा लिकर होल्ड ना कर पाने की वजह से प्रॉब्लम बन गई थी। शिराजू अपने डिस्कस में अनहैप्पी रहता है और साइको पे गुस्सा करने लगता है। सासकी ने मेकअप करना सीख लिया था और काफी कन्विंसिंग डिस्गाइज में आ गया था। उनका ग्रुप सेटल हो जाता है और नटक्रैकर को ऑब्जर्व करने लगता है। शिराजू सासकी को कन्फ्रंट करता है, तब सासकी एडमिट करता है कि वो साइको के साथ इजी रहता था क्योंकि उसका पास्ट बहुत ट्रबल था और उसे क्वींस में ज्वाइन होने के लिए फोर्स किया गया था। शिराजू सासकी के लॉस्ट मेमोरीज के बारे में कहता है कि अगर वो वापस आ गई तो क्या सासकी क्वींस छोड़ देगा। सासकी इस बात को मजाक में टाल देता है। मित्सुकी ड्रंक हो जाता है और अकेले ही नटक्रैकर को अप्रोच करने लगता है। वो पार्ट टाइम जॉब लेने में सक्सेसफुल हो जाता है और ऑक्शन के बारे में इन्फो लेके वापस आता है। मिशन के सक्सेसफुल हो जाने पे सभी डांस फ्लोर पे सेलिब्रेट करने जाते हैं। सासकी उन्हें देखता है और सोचता है कि क्या उसकी मेमोरीज के रिटर्न होने से उसके करंट सेल्फ की डेथ हो जाएगी। वो इस बात से अनअवेयर रहता है कि नीको और रोमा होई तो उसे स्पॉट कर लिया है और उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगले मीटिंग में उसे जूजो के साथ मासूरी वाशु से मिलने बुलाया जाता है। कमांडर उसकी इंसल्ट करता है और उसके ड्रेसिंग का भी इंसल्ट करता है। मात्सूरी मित्सुकी को बेट बना के अकेले बिना किसी बैकअप के जाने के लिए कहता है। ये देख के सासकी शॉक हो जाता है। वो प्रोटेस्ट करता है पर उसे डांट दिया जाता है। तब जूजो इंटरवीन करता है और कहता है कि वो भी मित्सुकी के साथ अंडरकवर जाएगा। मैटर सेटल होने के बाद स्क्वाड लीडर अकीरा मादो शिमोगुची और ताके इराको उनको ज्वाइन करते हैं। ऑपरेशन के फाइनल प्लान्स बनाए जाते हैं और सासकी जूजो को थैंक्स करता है। अकीरा सासकी को एडवाइस देता है कि सीसीजी में हर किसी ने किसी न किसी को खोया है तो उसे भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि वो कुछ नहीं खोए। अकीरा की ये एडवाइस उसे रात भर हॉन्ट करती है। अगले कुछ वीक्स में हाइजे मित्सुकी शिराजू और साइको को बैटल करने के लिए ट्रेन करता है। क्विंस स्क्वाड का फुल कमांड लेने के बाद सासकी एंशियसली सिग्नल का वेट करता है। वो अपने टीम से कहता है कि अगर उन्हें कोई भी ऐसा एनिमी मिले जिसे वो हैंडल ना कर सके तो वो तुरंत फ्ली कर ले। पूरा ग्रुप मूड लाइट करने के लिए जोक्स क्रैक करते हैं। रेड के स्टार्ट होने पर वो क्विंस और आतुओ स्क्वाड को ले
के मेन बिल्डिंग में घुसता है और एफर्टलेसली न्यूमरस कोल्स को डिफीट करता है। दाइसुके आतुओ और उसका स्क्वाड क्विंग्स के मिस्टीरियस लीडर के बारे में गॉसिप करते हैं और आतुओ कहता है कि सासाकी के मूवमेंट्स उनके मेंटोर आरिमा की तरह ही है। कुछ दूरी पे ये लोग बैल घोल को एनकाउंटर करते हैं जो पहले नट क्रैकर के साथ उसके स्टेक आउट पे था और उनमें फियर्स बैटल होता है। सासाकी आतुओ के एक मेंबर को रेस्क्यू कर लेता है और एक पावरफुल कोकाकू टाइप घोल से लड़ने लगता है जिसके ब्लोज पिलर्स को भी शैटर कर सकते थे। इससे पहले कि वो फाइटिंग कंटिन्यू कर सकता, मात्सुरी उसे बिल्डिंग के थ्रू एडवांस करते रहने का ऑर्डर देता है। फिर उस घोल को आतुओ के स्क्वाड के हवाले करके वो आगे बढ़ जाता है। सासाकी बाकी के क्विंग्स को बिल्डिंग में और डीप ले जाता है पर अब भी मुत्सुकी के बारे में सोचता रहता है। वो लोग देखते हैं कि काने वॉन रोजवाल्ड मुत्सुकी पे अटैक कर रहा था। सासाकी मुत्सुकी को सेफ्टी पे ले जाता है और उरिये और शिराजू घोल से लड़ते हैं। सासाकी को रिकॉग्नाइज करने के बाद काने रेज में उस पे अटैक कर देता है पर वो तीनों मिलके उस घोल को हरा देते हैं। मात्सुमे बैटल में इंटरवीन कर देती है और काने को रेस्क्यू करके अपने कागुने से हॉलवे को ब्लॉक कर देती है। आगे ना बढ़ पाने की वजह से सासाकी रेडियो कमांड दे देता है कि उन्होंने सक्सेसफुली मुत्सुकी को रेस्क्यू कर लिया है। उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि ओशिबा स्क्वाड को नट क्रैकर ने वाइप आउट कर दिया है और वो अब एक एस रेटेड घोल हो चुकी है। क्विंग्स को उसे एलिमिनेट करके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को सिक्योर करने कहा जाता है पर सासाकी कहता है कि मुत्सुकी को वापस आने दिया जाए और उसे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। मात्सुरी एग्री करता है और उरिये को लीड करने कहता है। उरिये रेजिस्ट करता है कि वो मुत्सुकी को उसके हाथों में सौंप देता है। शिराजू और साइको के साथ वो एडमिनिस्ट्रेटिव टावर की तरफ हेड करता है। रात में वो लोग नाओतो हायाशिमुरा से मिलते हैं जो ओशिबा स्क्वाड का कैप्टन था। सीएफयू ताकिजावा उन्हें एम्बुश करता है और इस स्ट्रगल में सासाकी युकिमुरा को लूज कर देता है और उसके शोल्डर पे एक ब्लो पड़ता है। जब वो रीजनरेट करने लगता है तो आओगिरी के मेंबर समझ जाते हैं कि वो कौन है और उस पे सेकंड अटैक के लिए चार्ज करते हैं। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तब सासाकी अपने कागुने को सामने लाता है और ये देख के शॉक हो जाते हैं कि उसका अपोनेंट भी एक वन आइड घोल है। वो बाकियों को रेडियो पे रिट्रीट करने के लिए कह देता है और हेल्प मांगता है। मात्सुरी सासाकी को डिकॉय बन के अकेले लड़ने का ऑर्डर देता है। शिराजू प्रोटेस्ट करता है पर सासाकी उसे ओरिजिनल मिशन कैरी आउट करने के लिए कहता है। वो ताइजावा को अकेले फेस करने के लिए प्रिपेयर होता है। तभी उसका काउंटर पार्ट कहता है कि वो दोनों सीक्रेट शेयर करते हैं। सासाकी को उसका अपोनेंट ओवरवेल्म करता है और वो स्ट्रगल करने लगता है। ताकिजावा सासाकी को वॉल पे थ्रो कर देता है। ताकिजावा बात करते रहता है और कहता है कि वो कैसे हमेशा सासाकी से नफरत करता था क्योंकि उसे हमेशा सेकंड बेस्ट या बेकार कहा जाता था और सासाकी को मारते रहता है और अपने कागुने से उसे इम्पेल कर देता है। सासाकी सोचता है कि उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो मर जाए या फिर डिसअपीयर हो जाए। कानेकी फिर से सासाकी के माइंड में अपीयर होता है और उसे अपने पावर्स यूज करने कहता है पर सासाकी सोचता है कि अगर वो कानेकी के पावर्स को यूज करेगा तो वो डिसअपीयर हो जाएगा। ताकिजावा सासाकी को ड्रैग करते हुए पूरे बिल्डिंग में दौड़ता है। जब वो टॉप पे पहुंचता है तब वो वहां से सासाकी को फेंक देता है और वो ऑक्शन स्टेज पे आके क्रैश कर जाता है। ताकिजावा सासाकी को वीक बोलते हुए उसे मारता रहता है। ताकिजावा कहता है कि वो हमेशा से ही वीक था पर सासाकी अपने मन से सोचते रहता है कि वो वीक नहीं था। ताकिजावा सासाकी से पूछता है कि वो हेजिटेट क्यों कर रहा है। फिर वो खुद को करेक्ट करते हुए उसे कानेकी कह के बुलाता है। इससे सासाकी मेंटली ब्रेकडाउन करने लगता है। ताकिजावा बिल्डिंग के पीए सिस्टम से सासाकी के पेन को ब्रॉडकास्ट करता है और सभी को सासाकी को स्क्रीम करते हुए दिखाता है। ताकिजावा थोड़ी देर और सासाकी को टॉर्चर करता है और फिर उसे खाने जाता है पर तभी हिनामी वहां सासाकी को बचाने आ जाती है। हिनामी ताकिजावा से फाइट कर रही होती है। तभी सासाकी को होश आता है और वो पूछता है कि हिनामी उसकी हेल्प क्यों कर रही है। वो उसे कहता है कि जिस पर्सन को वो जानती थी अब हाइजे वो नहीं है। भले ही उसके पास केन कानेकी का बॉडी है पर अब वो पूरी तरह से हाइजे सासाकी है और उसे वहां से चले जाने कहता है। साइको टियरफुली सासाकी को जाने कहती है। सासाकी उसकी तरफ देखता है और मुड़कर कहता है कि अगर वो डिसअपीयर भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर वो कानेकी से पावर्स मांगता है ताकि वो सबको प्रोटेक्ट कर सके। फिर वो अपना फिंगर क्रैक करता है और कानेकी और सासाकी दोनों एक्टिव हो जाते हैं। सासाकी और कानेकी में सबकॉन्शियसली बात होता है और उनका बॉडी ताकिजावा से फाइट में लगा रहता है। सासाकी कानेकी से कहता है कि वो
कानेकी के साथ स्ट्रेंथ की वजह से उससे डरता है, पर कानेकी कहता है कि अब वो इतना भी कुछ खास नहीं। कानेकी फिर अपने बचपन का फॉर्म ले लेता है और सासाकी से खुद को इरेज ना करने के लिए कहता है। सासाकी कहता है कि वो कानेकी को बचाएगा। तभी आरिमा स्क्वाड जीरो वहाँ आ जाते हैं और हिनामी को कॉर्नर कर देते हैं, पर इससे पहले कि वो लोग हिनामी को हर्ट कर पाए, सासाकी उसके ऊपर राइट्स मांग लेता है आरिमा से। पोस्ट ऑक्शन। सासाकी, साइको, मुत्सुकी और शिराजू क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं। कुरामोतो और कुरियोवा वहां आते हैं और पूछते हैं कि हिराको कहां है। फिर जूजो और हानाबी भी वहां आते हैं। फिर सभी लोग बैठ के डिनर करते हैं। हाइजे फिर सभी को उनके प्रेजेंट्स देता है। फिर वो बैठ के कानेकी के बारे में सोचता है और सोचता है कि अगर वो उसका नाम लिख पाएगा तो शायद उसके बारे में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर पाएगा। फिर वो तोका के बारे में सोचता है। अगली सुबह उटा हाइजे को उसका पुराना मास्क गिफ्ट करता है और कानेकी उसे कहता है कि ये मास्क एक आई पैच था। उसे एक और प्रेजेंट मिलता है जिसपे द हैंग्ड मैन्स मैगफिन लिखा था, जो केन कानेकी के नाम पे था। इससे वो कानेकी के नाम को स्पेल करना सीख जाता है। कुछ महीनों बाद हाइजे को फर्स्ट क्लास इन्वेस्टिगेटर में प्रमोट कर दिया जाता है। क्विंस स्क्वाड के सभी मेंबर्स को भी प्रमोट कर दिया जाता है और जूजो को स्पेशल क्लास इन्वेस्टिगेटर बना दिया जाता है। वो अकीरा को भी उसके प्रमोशन के लिए कांग्रेचुलेट करता है और फिर वो उसे हक कर लेती है। बाद में वो दोनों फुइगेची के स्टेशन के बारे में बात करते हैं और आवगिरी के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना है ये डिस्कस करते हैं। सासाकी उसे प्रेस करता है और कहता है कि वो एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। सासाकी उसके साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहता है, पर अकीरा उसे ज्यादा टाइम लेने के लिए वार्न करती है। सासाकी कुछ नहीं कहता है, पर वो समझ जाता है कि फुइगेची के साथ डील करने की वजह से अकीरा के ऊपर क्या गुजर रही है, क्योंकि वो उसके फादर के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तभी उसे फ्लैशबैक आ जाता है जब कानेकी और तोका कुरोए मादो से इनकाउंटर किया था और वो शॉक हो जाता है और वो वॉशरूम चला जाता है। मिरर में वो नोटिस करता है कि ऑक्शन के बाद से ये फ्लैशबैक्स और ज्यादा आने लगे हैं और उसके आंख के पीछे काफी पेन होने लगता है। कानेकी के चाइल्ड फॉर्म का विजन उसे आता है और उसे कॉर्डिसेप्स के बारे में बताता है, जो कि एक पैरासिटिक फंगी होता है और कैटरपिलर को इन्फेक्ट करता है। वो अपने सिचुएशन को फंगस और कैटरपिलर के सिचुएशन से कंपेयर करता है और कहता है कि दोनों का एक साथ एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। रोज एक्सटर्मिनेशन। सासाकी एक मीटिंग अटेंड करता है जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स मास किडनैपिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मासूरी कहता है कि उन कल्प्रिट्स में से एक सर्वाइवर रोजवेल्ड फैमिली का है, क्योंकि उसका कागू ने रोजवेल्ड फैमिली से सिमिलर है और वो वैसे एक घोल से पहले लड़ चुका है, पर उन दोनों का कागू ने बस 27% सिमिलर था। और अभी वाला सर्वाइवर रोजवेल्ड फैमिली से क्लोजली रिलेटेड नहीं है, पर उनका कोई दूर का ब्लड रिलेटिव है जो अब टोक्यो में रह रहा है। मीटिंग के बाद सासाकी मुत्सुकी को बताता है कि पेरेंट्स और सिबलिंग 50% सिमिलर होते हैं और आइडेंटिकल ट्विंस 90% सिमिलर होते हैं और लो मेंबर इनएडिक्वेट रेस में गिने जाते हैं। सासाकी इस फैक्ट को लेके पास्ट के रैबिट अटैक्स के बारे में बताता है कि रैबिट एक्चुअली में दो सेपरेट ट्विंस हैं, और फिर कहता है कि अगर इसमें कोई पैटर्न एप्लीकेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि घोल को कैनिबलाइज किया जा सकता है। बाद में ये सासाकी हिनामी से प्रिजन में मिलता है और उसे बहुत से बुक्स ले जाके देता है। वो उसे थैंक्स करती है और उसे बिग ब्रदर कह के बुलाती है। वो उसे कहता है कि वो कानेकी से अलग है और हिनामी कहती है कि मे बी ये सच हो सकता है, पर अभी भी उसका पर्सनालिटी कानेकी की तरह ही है। हानामी कहती है कि वो और उसके बाकी जो भी कानेकी से प्यार करते थे वो सभी इसी कंफ्यूजन में है। जब सासाकी वहां से जाता है तब वो हिनामी से अपने बढ़ते अटैचमेंट से टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि इससे उसकी ड्यूटीज पर असर हो रहा है। एक डिमिन्यूटिव आदमी उसे अप्रोच करता है। उसका फेस स्कार से कवर्ड रहता है और वो कहता है सासाकी गोल्स की तरफ काफी अफेक्शनेट है। सासाकी उसे पूछता है कि वो उसका नाम कैसे जानता है, तो वो आदमी कहता है कि सासाकी बहुत फेमस है। उस आदमी का एक सबॉर्डिनेट आके उसे कहता है कि इंटरोगेशन अब पूरा हो गया है। फिर वो आदमी खुद को शीकी कीजिमा कह के इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो सासाकी के रोज केस पे उसके साथ काम करेगा। एक मीटिंग में सासाकी कीजिमा
और फुरुता से मिलता है। फिर वहाँ कुरामोटो और हिराको स्क्वाड आते हैं, कुरियुई और ताइशी फुरा वो लोग भी वहाँ आते हैं और कुरी खुद को इन्वेस्टिगेशन का लीडर बताता है। सासाकी कुरामोटो से हिरोको के आरिमा स्क्वाड में ट्रांसफर हो जाने के बारे में बात करता है। फिर सासाकी कहता है कि वो क्विंग्स के एबिलिटी से रोज वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन में काफी ऊपर पहुंच सकता है। सासाकी आईसी आर्ट मास्क स्टूडियो जाता है उटा से मिलने। सासाकी उटा से उसे मास्क और नॉवल के बारे में इंक्वायरी करता है जो उसे क्रिसमस में भेजा गया था। उटा कहता है कि वो मास्क रेगुलर कस्टमर्स के लिए गिफ्ट था और गलती से गलत एड्रेस पे चला गया होगा, और वो ये भी कहता है कि उसने कोई बुक नहीं भेजा था। हाइजे उसे पूछता है कि क्या वो कस्टम मेड मास्क ऑर्डर कर सकता है। सासाकी सेकंड एकेडमी में लेक्चर देके बाहर आ रहा होता है, तभी उसे क्लास के इंस्ट्रक्टर गोमारा तोकागे अप्रोच करता है। तोकागे स्टूडेंट्स और मुत्सुकी के बारे में पूछता है जिसे वो प्रॉब्लम चाइल्ड समझता था। मुत्सुकी के अच्छा परफॉर्म करने की खबर सुन के वो काफी अम्यूज हो जाता है। तोकागे के जाने पे सासाकी को उससे काफी डार्क वाइब्स आती है। स्टूडियो में वापस आकर सासाकी अपने साथ क्विंग्स के बाकी मेंबर्स को ले आता है ताकि उनके मेजरमेंट्स हो जाएं और उनके लिए कस्टम मास्क बन जाएं। वो घोल्स का डिस्गाइज करके घोल वर्ल्ड में हायर रैंक पे पहुंचना चाहता था और वो इन्फॉर्मेशन भी निकालना चाहता था जो सीसीजी नॉर्मली नहीं निकाल सकता था। वो कुरी उई से परमिशन मांगता है और वो इस आइडिया को मना कर देता है और कहता है कि ये सीसीजी की हीरोइक इमेज को खराब कर देगा। बाद में वो कीजिमा के वीडियो को देखता है और शिराजू से कहता है कि कीजिमा के मेथड्स बहुत क्रूएल हैं और गलत हैं और कोई और तरीका जरूर होगा। सासाकी एक पब्लिक पार्क में बुक पढ़ रहा होता है, तभी सुकियामा वहां आता है और उसे थैंक्स करता है और उसके बगल में बैठ जाता है और उसे बुक्स के बारे में बात करने लगता है। सासाकी कहता है कि सेन ताकासुकी के बुक्स का कंटेंट थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है। कुछ देर में साइको और मुत्सुकी आते हैं तो सासाकी को वहां से जाना पड़ता है। कुछ वक्त बाद सासाकी और क्विंग्स एक पार्किंग गैरेज को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, तभी काने वहां अपेयर होता है और उरे और शिराजू उसके पीछे चले जाते हैं। होगुरो और शूजे व्हाइट सूट्स में आते हैं और बाकी के इन्वेस्टिगेशन का ध्यान भटकाते हैं। सासाकी को मुत्सुकी और साइको को ऑर्डर देता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप था। अटैकर्स को भगाने के बाद क्विंग्स सासाकी के तरफ बढ़ने लगते हैं। सासाकी सभी अटैकर्स को मारता रहता है और सभी घोल्स को ओवरवेल्म करता है। उसे अपने क्विंकी और कागुने से फाइट करते हुए देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। जब उन्हें ये एहसास होता है कि सासाकी काफी ज्यादा पावरफुल है, तब होगुरो और शुजोए बिल्डिंग से कूद कर एस्केप करते हैं। सासाकी उन्हें भागते हुए देखता है और सभी को वहां लेके जाता है जहां साइको हिडन थी। जब वो लोग ये देखते हैं कि साइको अनहार्म्ड है, तब सभी सरप्राइज्ड होते हैं। तो साइको कहती है कि एक ह्यूज मैन ने उसे बचाया था। बाद में क्विंग्स आउगिरी ट्री और रोज के एम्बुश के बारे में मीटिंग में बैठते हैं। पूरी हुई कीजिमा को उसके रेकलेस बिहेवियर के लिए डांटता है और सासाकी कहता है कि मिशन का मेन की आउगिरी और रोज के बीच के कोऑपरेशन के स्केल को डिटरमाइन करना था। सासाकी फिर उई से अपने अंडरकवर प्लान के बारे में सोचने के लिए कहता है, तब उई S1 स्क्वाड के लीडर में वोट कर देता है। जब मेजोरिटी लोग सासाकी के प्लान के लिए वोट कर देते हैं तो वो ऑपरेशन मास्क को लॉन्च कर देता है। क्विंग्स अपने कस्टम मास्क पहन लेते हैं और सासाकी अपने आई पैच मास्क को पहन लेता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। सासाकी और उसका टीम घोल्स के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, पर उसका अपना ऑपरेशन उतना सक्सेसफुल नहीं होता। जो भी घोल्स उसे देखते थे उसे आई पैच घोल बोल के उसे डर कर भाग जाते थे। सासाकी आई पैच घोल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने फाइल स्टोरेज में जाता है। उसे कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, बस इन्वेस्टिगेटर आमोन का फाइल मिलता है जिसमें उसके 3 इनकाउंटर्स आई पैच के बारे में इन्फो था। फाइल पढ़ के सासाकी को रियलाइज होता है कि आई पैच घोल उसका पास सेल्फ था। और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो इन्वेस्टिगेटर आमोन के बारे में पूछता है, पर उसे बस इतना पता चलता है कि आउल सपरेशन मिशन के दौरान आमोन की डेथ हो गई थी और उसके डिटेल्स क्लासिफाइड है। अपने पास सेल्फ के बारे में और जानने के लिए सासाकी सुकियामा से मिलता है। बात शुरू होने से पहले सासाकी कहता है कि वो दोनों कितनी बार मिले हैं, पर हर बार कोइंसिडेंस ही होता है, इसीलिए उसे ये काफी सस्पिशियस लग रहा था। सासाकी सुकियामा से डायरेक्टली पूछता है कि क्या वो एक घोल है और उसके रिएक्शन से समझ जाता है और फिर उससे पूछता है कि वो उटा फुगेची या कानेकी को जानता है। सासाकी कहता है कि उसे पता है कि पास्ट के बारे में जानने पे काफी कुछ बुरा भी हो सकता है, पर फिर भी वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। सासाकी को
फेवर मांगते हुए रोते हुए देख के सुकियामा वहाँ से जाने लगता है। सासाकी उससे सरप्राइज होके पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तब सुकियामा कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे। अकीरा सासाकी को फाइल चेक करते हुए देख लेती है और उसे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। वो उसे 20th वार्ड के मिशन में उसके पार्टिसिपेशन के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो उसके प्रीवियस पार्टनर एमोन कोतारू के बारे में जानना चाहता था जो ऑल सप्रेशन मिशन में मारा गया था। वो उसे आईपैच घोल के बारे में भी पूछता है तो अकीरा उसे कहती है कि उसे आईपैच घोल के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर सासाकी गुस्सा हो जाता है और अकीरा पे यल कर देता है और उसे कहता है कि वो अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं जान सकता, ऐसा लाइफ उसके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। अकीरा उसे काम डाउन करने के लिए हग करती है और कहती है कि वो उसका नाम नहीं है। हाइजे सुकियामा फैमिली एक्सटर्मिनेशन ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है पर वो ये देख के शॉक हो जाता है कि मिरोमो सुकियामा बिना किसी रेजिस्टेंस के सरेंडर कर देता है। उसे एहसास हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। तभी उसे पता चलता है कि सुकियामा फैमिली का सक्सेसर एस्केप कर चुका है और उसका ट्रेस LE बिल्डिंग की तरफ गया है। अंदर जाने पे वहाँ के बैटल के आफ्टरमैथ को देख के सासाकी कहता है कि वो उसके ब्रूटल मेथड्स को डिसलाइक करता है। क्विंग्स अंदर पुश करते हैं तब सासाकी नोटिस करता है कि जो घोल्स उनके अगेंस्ट है वो इतने वीक हैं कि उन्हें कोई भी मार सकता है। उए उसे रूफ सिक्योर करने कहती है तो वो शिराजू को टीम का कमांड लेने को कह के अपने कागुने से बिल्डिंग के ऊपर क्लाइंब करने लगता है। उसे रूफ पे कुछ नहीं मिलता पर जब वो इतनी बड़ी कंपनी के डाउनफॉल के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता है तो उसे अचानक से बहुत तेज हेडेक होने लगता है। तभी सुकियामा बिल्डिंग से आता है और सासाकी ये देख के शॉक हो जाता है कि सुकियामा के गोल से वो पहले भी मिल चुका है और उसके पास में भी उसका सुकियामा से एक्वेंटेंस था। हाइजे सुकियामा को सरेंडर करने कहता है पर सुकियामा रिफ्यूज कर देता है और सासाकी पे अटैक कर देता है और उसे किक कर देता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद हाइजे सुकियामा को ओवरपावर करने लगता है और उसे जमीन पर पिन कर देता है पर हाइजे को अंदर से आवाजें आने लगती है जो उसे सुकियामा को मारने से मना करती है। पर इससे पहले कि वो किसी डिसीजन पे आता काने उसके राइट आर्म को काट देता है। आर्म कट जाने के बाद पेन से हाइजे काफी स्क्रीम करता है और काने अपने कागुने से उसे मार के दीवार पे फेंक देती है। वो थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसनेस खो देता है पर जब काने उसे बिल्डिंग से ड्रैग करके नीचे फेंकने जाती है तब उसे एक हेलुसिनेशन आता है जिसमें आरिमा उसे कहता है कि वो किल करे जैसा वो हमेशा करता है वरना वो फिर से मारा जाएगा। इससे हाइजे को एक शॉक लगता है और वो काने को अपने लेग से डिकैपिटेट कर देता है। अपने विजन से शॉक होकर वो कहता है कि उसका एग्जिस्टेंस पूरी तरह से उसी का ही है और वो बार बार किल आरिमा कहता है और काने से बैटल करता है। फाइट होती है और हाइजे काने को ओवरपावर करने लगता है और उसे मारने जा रहा होता है पर सुकियामा उसे रोक लेता है। हाइजे को ताकासुकी सेन का एक कोट याद आता है और तभी दी ऑल उस पे हमला कर देता है। ईतो काने को मोटिवेट करती है और काने हाइजे पे अटैक करते रहती है। सासाकी फिर से अपने सबकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। वहाँ वो कानेकी से मिलता है और कानेकी उसे टॉन्ट करते हुए पूछता है कि वो इसी तरह से खुद को प्रोटेक्ट करेगा। सासाकी अपने हाथ से कानेकी के थ्रोट को पकड़ लेता है और उसे स्ट्रैंगल करने लगता है और तभी उसे और पहले के मेमोरीज आने लगते हैं जब उसकी मदर उसे मारा करती थी। उसे कानेकी के इमेज नजर आती है जिसमें वो समझ जाता है कि कानेकी जीना नहीं बल्कि मर जाना चाहता था पर इसी बीच कुछ लोगों के लिए एक हैप्पी मेमोरी बन गया था। वो ये भी रिवील करता है कि जब वो पहली बार आरिमा से मिला था तब डरा नहीं था बल्कि उसे जॉय की फीलिंग आई थी। उसे लगा था आरिमा उसका गॉड ऑफ डेथ है जो फाइनली उसको क्लेम करने आया है। वो खुद को बुरा भला कहता है क्योंकि वो उस वक्त मर नहीं सकता। हाइजे कानेकी से पूछता है कि क्या ये उसका सेल्वेशन है। कानेकी पॉजिटिव रिप्लाई देता है और हाइजे डिसाइड करता है कि वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट करेगा और ड्रीम करना बंद करेगा। अपने सेंसेस में आते ही सासाकी कानेकी पे अटैक करता है। उसके बाल जो खून में भीगा हुआ था और डार्क हो जाता है। हाइजे कानेकी का एक आर्म काट देता है जिससे वो बहुत जोर से स्क्रीम करती है। अपने कागुने से वो रूफ से एक मेटल बार निकालता है और कानेकी के आंख में घुसा देता है। इससे कानेकी बजर्क हो जाती है और अनकंट्रोलेबली उस पे अटैक करने लगती है पर सासाकी उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और उसके पीछे जंप करता है और उसे इम्पेल कर देता है। अब वो सुकियामा की तरफ बढ़ता है। ईतो अपने काकुजा में
वापस मर्ज हो जाती है। तभी सासकी को एक इतोरी और नीको के साथ का मेमोरी याद आता है। नीको उसे विस्पर करके कहती है कि आउगिरी का वन आइड घोल बैंडेजेस में कवर्ड एक लिटिल गर्ल हो सकती है। वो सुकियामा के चेस्ट को स्टैप कर देता है। फिर वो इतो की तरफ बढ़ता है और वो कहता है कि सासकी कोल्ड है क्योंकि वो उठते ही ब्लड शेड करने लगा और वो उसमें और आरिमा में कंपैरिजन करती है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। सासकी कहता है कि कोल्ड तो वो खुद है और दोनों फाइट करने लगते हैं। इतो के अटैक्स को अवॉइड करते हुए सासकी उसे पूछता है कि वो अचानक अपेयर क्यों हुई। तो वो कहता है कि सुकियामा काने और सासकी को फाइट को देख के बस टाइम पास कर रही है। सासकी को याद आता है कि जब वो योशिमुरा से आंटेकू में मिलने गया था तब योशिमुरा ने उसे कहा था कि वो उसकी बेटी को बचा सकता है। वो इतो को उसके फादर के मेमोरीज के बारे में बताता है जिसे वो मजाक में उड़ा देती है। वो एक स्विफ्ट मूवमेंट में उसे मरने के लिए उसके रियल हेड को काटने जाता है पर मिस कर देता है। फिर वो क्वेश्चन करता है कि वो उसके जैसे ट्रैश को क्यों सेव करे। इतो अपने काकुजा को ट्रांसफॉर्म करके बिजर्क हो जाती है और वो उसके अटैक्स को डॉज करते रहता है। इतो के अटैक्स की वजह से वो बिल्डिंग के कॉर्नर में चला जाता है और अपने कागुने के मदद से खुद को बिल्डिंग के साइड से लटकाता है और इतो उसे चेस करती है। मात्सुरी वाशु और उसका टीम वहाँ उसे देख लेते हैं। वो ऊपर जाके एक स्टील फ्रेम पे बैठता है और आउल के आने का वेट करने लगता है और उसके आते ही उसे काफी फोर्स के साथ अपने कागुने से स्टैप करता है। उसका ओरिजिनल बॉडी सामने आ जाता है। जब वो उसके ऊपर गिरती है तो उसके लेफ्ट आई को लीक करती है और दिखाती है कि वो उसके कितनी फॉन्ड है और वो दोनों एक जैसे ही हैं। वो तुरंत ही उसे दो हिस्सों में काट देता है जिससे वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और वो खुद को ऑनर्ड कहता है। फाइट से एग्जॉस्ट होने की वजह से सासकी आउल के काकुजा को डिवोर करने लगता है और कुरी उई उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद वो सुकियामा की तरफ मुड़ता है और कहता है कि सुकियामा फैमिली और आउल के बीच कोई कनेक्शन है और कानी भी उनकी एक मेंबर है। सुकियामा उसका नाम कह रहा होता है तभी सासकी उसे स्टैप करता है और कानी की तरफ देखते हुए उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। कानी उसे बचाने के लिए कूद जाती है और दोनों गिर के मर जाते हैं। कुछ देर बाद वो क्वींस स्कॉट से मिलता है और उरे काफी ग्रीफ में लगती है। उरे उसे कहती है कि जब शिराजू उसे देखना चाहता था तब सासकी उसके पास नहीं था पर सासकी कहता है कि शिराजू के फाइनल टाइम्स में वो उसके साथ था। वो उरे से कहता है कि दुनिया के सभी लॉसेस एबिलिटीज के लैक की वजह से होते हैं और उसे शिराजू के डेथ के लिए खुद को ब्लेम करना चाहिए। वो शिराजू को होल्ड करके बाकी के स्क्वाड को मौन करने कहता है। तो दोस्तों ये थी लाइफ ऑफ काने की पार्ट 1। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।